Hey guys, welcome back to my channel. This is Dhiraj here. So this is Yamaha R15 V3, and इसकी सर्विस साल ही में करी थी हमने अपने गैराज में नॉर्थमैन मोटो में. और इसका जो एक साइड वाला जो इसका फ्रंट फोर्क है उसकी जो सील थी वो लीक हो रही थी, तो वो सील भी हमने चेंज करी इसकी. और इसमें यूज़ करा हमने लिक्विड मोनिका जो 15W वाला जो फोर्क ऑयल है वो वाला यूज़ करा हमने इसमें. और बस अभी राइड पे हैं और मेरे साथ मेरा फ्रेंड चल रहा है आगे डोमिनार पे. तो ये बाइक भी मेरे एक दोस्त की है और उसका बोलना है कि बाइक एक साइड को जा रही है, तो देखते हैं कैसे एक साइड को जा रही है. 150cc के हिसाब से बाइक बहुत अच्छी लगती है मेरे को. और जो इसमें वेरिएबल वाल्व वाली जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को. नाइस कार. वो टेक्नोलॉजी अपने सिमिलर टू IVTEC टेक्नोलॉजी की तरह है होंडा की. उसमें क्या रहता है कि जब कम स्पीड पे होते हो तो आपका जो कैम प्रोफाइल है वो उस हिसाब से काम करता है. R15 इसी ब्लू कलर में ही अच्छी लगती है क्योंकि इसके ये ऑफिशियल कलर हैं, कॉल ऑफ ब्लू. भाई साहब कित जा रहे हो? और मैं ये मैकेनिक ग्लव्स पहन के बाइक चला रहा हूँ. एज यू नो दैट्स हाउ वी रोल. और वो भी एक हाथ में. और बाइक की सर्विस काफी अच्छी हुई है, फील हो रहा है डिफरेंस चलाने में. और ऐसा जो मेरे को कोई दिक्कत ना लगी कि बाइक एक साइड को जा रही है ऐसा वैसा कुछ फंडा. तो देखते हैं अभी क्या फंडा है इसका. थर्ड एंड I love Yamaha bro. I love Yamaha man. I love Yamaha. तो आपने वो वाली वीडियो भी देखी होगी FZ25 वाली, और वो 250cc है. और Yamaha R15 150cc है, आई थिंक 155 और मे बी 160. बट देखा आपने कैसे Yamaha R15 136 टच कर गई जहाँ तक मैंने देखा. और FZ25 खाली 129 तक पहुँच पाई. यही वाला रोड था, सेम रोड था. दोनों में डिफरेंस ये था, स्टांस का डिफरेंस था पहली बात. तो इसमें Yamaha R15 पे आप बिल्कुल लीन ऑन हो सकते हो, बिल्कुल टक इन होके. और वो डिज़ाइन ही वैसे हुई है कि फुली टक इन हो जाओ और लेट इट गो.
और FC25 में थोड़ा टकिंग में दिक्कत थी। वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अपनी यामा है, R15 है, ये स्पोर्ट्स बाइक है, और जो FC25 है वो अपनी कम्यूटर सीरीज की बाइक है। नाइस घास, डोमिनार को पहनने से डर लगता है थोड़ा। आई एम नॉट इवन ट्राइंग। और मेरे को लग रहा है कि बाइक अभी भी आगे जा सकती थी, बट अपने थोड़ा रोड खत्म हो रहा था और शीशे भी बाहर की तरफ से, तो थोड़ा सा ड्रैग तो बढ़ता ही है। और इट्स अ रियली गुड मशीन। आई डोंट नो अबाउट BS6, बट इट्स अ BS4, प्रीटी अमेजिंग बाइक, एंड रियली बैंग फॉर योर बक। रिफाइंड इंजन रिफाइनमेंट एक नंबर, जो कि आपको KTM की बाइक्स में नहीं मिलती है, वो एक सबसे बड़ा इशू है। और दूसरी बात, क्वालिटी पार्ट्स। और अभी तक यामा थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में है, क्योंकि अब KTM का तो ऐसा है, आई एम नॉट हेटिंग ऑन KTM, बट KTM ऐसा है कि बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, बट R15 V3 इज स्टिल प्रीमियम आई थिंक। अभी हमने वुर्थ के कुछ प्रोडक्ट अपनी वर्कशॉप के लिए परचेज किए, तो उनमें से ये ग्लव्स भी थे, सो इनको मैं चेक कर रहा था कि कैसे प्रोडक्ट है, अच्छे हैं, नाइस ग्लव्स। और एज इट्स अ रेसिंग बाइक, फुली फेयर बाइक, सो ये तो दिक्कत रहती है कि ऑफ रोड में तो ये बाइक्स दिक्कत देती हैं, थोड़ी सी भी आपका रेत होता है, डेब्रीज होती है रोड पे, तो ये गिव अप कर जाती है। रेबल बारक, आई डोंट नो कि क्या दिक्कत लगी उसमें, बट हैंडलिंग मेरे को तो सही लगी। इसकी जो सर्विस करी थी हमने, वो करी थी आई गेस 10W40 यूज़ करती है यामाहा, और हमने भी सेमी सिंथेटिक 10W40 यूज़ किया था, वो मोबिल का था, और उसी के साथ हमने जो ये 136 का गोल था वो रीच किया। नाइस बाइक, प्रीटी गुड डील, आई लाइक इट, आई लाइक इट ऑल दैट। आगे रे आगे।